हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल जूहीज कर्नल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी वीडियो लेके आई हूँ, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली ये इस वीडियो के लिए मुझे तकरीबन 2 माह पहले रिक्वेस्ट आया था, और ये रिक्वेस्ट मुझे दूसरी बार आया है। बट मैं पिछले 2 महीने से काफ़ी बिजी थी, इसलिए मैं इस रेसिपी को नहीं बना पाई, तो इसके लिए सॉरी। थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर पराठा, जो कि शायद आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। और पिछले वीडियो में जैसा कि माँ ने आलू पराठा बनाया था, तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया था, मुझे आप लोगों का बहुत ही प्यार मिला, बहुत ही सपोर्ट मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच। और ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर हम बिना देर किए फटाफट बनाना शुरू कर देते हैं पनीर पराठा। अभी ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में गर्मा गर्म पनीर पराठा खाने की मज़ा ही कुछ और है। तो फिर देर किस बात की, चलिए अब बनाना शुरू कर ही देते हैं। तो अभी पनीर पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा हमें लगाना होगा। बट कोई भी पराठा का आटा लगाना हो तो आप नॉर्मल रोटी का भी आटा लगा सकते हैं। एंड आप अगर फ्रेश आटा लगा रहे हैं तो ध्यान रहे कि आटा जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि आटा का सॉफ्ट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि पराठे बनाने में बहुत हेल्प करती है। तो आटे को हम जितना अधिक गूंथेंगे, आटा जो हमारा है उतना ही सॉफ्ट होगा, और फिर आटा सॉफ्ट होगा तो हमारे पनीर पराठे जो हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो आटे को हमने गूंथने से पहले एक छोटी स्पून से घी और थोड़ी सी नमक लिया है, और फिर आटे को थोड़ा सा मलने के बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लिया। तो आप देख सकते हो, गूंथने के बाद ये जो आटा है ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और ना ही ज़्यादा हार्ड है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल मीडियम है। तो अब हम आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम पनीर को मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, बट मैंने इसे हाथ से ही मैश अभी कर रही हूँ। तो ये जो पनीर है इसे मैंने घर पे ही बनाया है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि घर का जो बना हुआ पनीर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड टेस्टी भी होता है। बिकॉज मुझे जब भी पनीर की कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो मैं दूध को खरीद कर और घर पे ही ये पनीर बनाती हूँ। एक्चुअली मेरा पनीर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, एंड आप लोगों को मेरे पनीर बनाने के सीक्रेट जानने हो तो फिर आप हमें कमेंट में ज़रूर ही बताएं, मैं आप लोगों के लिए सॉफ्ट पनीर बनाने की रेसिपी लेके ज़रूर ही आऊँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन ली है, जो कि किसी भी पराठे के लिए ये इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मंगरेला भी डाली है, तो अजवाइन मंगरेला मैंने डाल दिया, ऑलमोस्ट 1 स्पून जीरा पाउडर, बट मैं यहाँ पे MDH का मसाला डाल रही हूँ, जिसका टेस्ट मेरे घर में काफ़ी पसंद किया जाता है। एंड 1 स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर भी हमने इसमें डाला है। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हरी मिर्ची, हरी धनिया पत्ती और प्याज। तो मैं हरी मिर्ची को अभी बारीक बारीक काट रही हूँ, और फिर हरी मिर्ची के बाद धनिया पत्ती को भी मैं वैसे ही काट लूँगी, और फिर प्याज भी हमने पहले से काट के रखा हुआ है तो प्याज भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर डालेंगे नमक। तो नमक मैंने एक छोटी स्पून से 1/2 स्पून नमक लिया है, बट नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसमें नमक भी डाल दिया, और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें हल्का हल्का पानी भी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ऐसे पनीर तो पहले से भी सॉफ्ट है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी गरम मसाला, और मैंने यहाँ लहसुन, हरी लहसुन की पत्ती डाली है बारीक कटी हुई, बट आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं।
मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर लेती हूँ, इससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये पनीर का जो मसाला है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हमें पनीर पराठा बनाना है। तो माँ जो है वो किचन में आ चुकी हैं और फिर आज भी माँ बनाने वाली हैं पनीर पराठा। तो पनीर पराठा बनाने के लिए इन्होंने मीडियम साइज़ की लोई बनाई है और फिर उस लोई में इन्होंने जो मिक्स किया हुआ पनीर है उसको भर के और हल्के हल्के हाथों से वो बेलन से जो पराठा है उसको बेल रही हैं अभी, क्योंकि मोटे पराठे जो होते हैं वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आप भी पराठे जब भी बनाना थोड़े मोटे ही बनाना तो अच्छा रहेगा। एंड साइज आप अपने हिसाब से बना लें कि आपको कितने बड़े साइज़ के पराठे चाहिए। तो यहाँ पे माँ पराठा बनाना शुरू कर चुकी हैं और फिर अब इसे सेकने वाली हैं। तो तवा भी गर्म हो चुका है और अब पराठे को तवे पे ये डाल रही हैं और इसको दोनों तरफ से सेक लेंगी। और फिर दोनों तरफ से सेकने के बाद इसे ना भी फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, क्योंकि पराठे धीरे धीरे पकेंगे तो वो कच्चे नहीं रहेंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हो पराठे का कलर जो है वो अब चेंज हो रहा है। तो पराठे को सेकते टाइम इस बात का ध्यान आपको ज़रूर ही रखना है कि पराठे को दोनों तरफ पलट के सेकें और किनारे किनारे दबा कर सेकें, ताकि वो अच्छे से पक जाए और कच्चा ना रहे। और इस पीरियड में फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखें कि पराठा अच्छे से पके। तो आप देख सकते हो पराठा जो है वो अच्छे से पक चुका है। तो आप चाहें तो यहाँ तेल या घी भी पराठे के ऊपर लगा सकते हैं, बट माँ ने घी लगाया है क्योंकि घी का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है, तो इसलिए इन्होंने घी लगाया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे पराठे बन के रेडी हुए हैं, बट इसका टेस्ट जो है वो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो आई होप कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आया हो। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।